मुझे बताना है हेमंत जोत, हेमंत जोत 7B। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा बेटा? मैं फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाय 3 एंड विच आंसर विल बिकम वी हैव टू प्लस फोर। राइट, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है, 3 × 5 + 4 एंड इन द डिनोमिनेटर विल बी 5, तो 15 + 4 19/5। बेटा एक बात और बता दो, इज इट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ प्रॉपर फ्रैक्शन? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है जी, चलिए सीट पर। अब अगर मुझे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करते हैं? लेट अस से मैं इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करना चाहती हूँ, व्हाट विल आई गेट? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम मींस लाइक फ्रैक्शंस हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और आंसर बन गया 4/5। बट इफ आई हैव अनलाइक फ्रैक्शंस देन हाउ टू ऐड, ये मुझे बताना है 7A से प्रभनूर कौर, प्रभनूर फ्रॉम 7A। इफ आई हैव बेटा अनलाइक फ्रैक्शन से आई वॉन्ट टू एड दीज टू, 3/5 + 3/7, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, हाउ टू डू इट? मैम क्या करते हैं, नंबर्स कैसे? यही पूछा मैंने बेटा, हाउ? जैसे लाइक थे तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम रहा, आंसर 4/5 मिल गया। लेकिन यहाँ पर अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या ऐसे ही ये ऐड हो जाएंगे कि मैं कर लू 3 + 3 6/5 क्या 5 7, कैसे ऐड करूंगी बेटा? नहीं, 7A से मनवीर सिंह, चलिए सीट पे आप 2 मिनट बैठे बेटे। मनवीर फ्रॉम 7A, बोलिए बेटा हाउ टू ऐड? अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं? क्या हो गया बच्चों, 6th क्लास में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ी थी, भूल गया? कौन बताएगा किसको आता है 7A से? अगर आ जाओ जी, जिसको आता है माइक के पास आओ फटाफट। बाय टेकिंग दी एलसीएम, व्हाई डू वी टेक दी एलसीएम? हमने यहां पर देखा कि अगर मेरे फ्रैक्शंस लाइक हो तो हम उनको आराम से ऐड कर सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को आराम से ऐड नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल टेक दी एलसीएम। एलसीएम क्या था बच्चों, व्हाट वाज एलसीएम? लीस्ट फैक्टर की मल्टीपल, एज द नेम सजेस्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय द मल्टीपल्स? अगर मैं आपसे पूछूं 3 के मल्टीपल्स, व्हाट आर मल्टीपल्स ऑफ 3? थ्री, स्पीक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 10, 33, सॉरी 30, 33, ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। मींस मैं 3 को काउंटिंग नंबर से, या मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करती जाऊं तो जो कुछ मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब अगर मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम चलते जाएं। और अगर मुझे 7 के मल्टीपल्स चाहिए,
बताओ जी क्या आएंगे, 7, 14। अब अगर मैं कहूं 5 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या आप देखने से यहां बता पा रहे हो कौन से है, कौन सा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? 35 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर 7 एंड 5। अब यहां पर तो दो नंबर थे, छोटे छोटे नंबर थे, मल्टीपल लिख लिए, निकाल दिया, लेकिन अगर दो से ज्यादा 3, 4, 5 नंबर हो जाएं और मुझे उनका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते? एनीबडी हु कैन टेल मी, से आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड से 24। हाउ टू गेट द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24? क्योंकि बिना एलसीएम लिए हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि एलसीएम लेना कैसे है। एलसीएम लेने के बाद फिर हम एडिशन की तरफ चलेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। पहले जल्दी से बता दो, 12, 18 और 24 का एलसीएम लेना है, कैसे लोगे, क्या निकालोगे, कैसे करोगे, जल्दी से देख बताओ मुझे। ये तो सिक्स क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। ये लाइट गई है उनकी, क्या लाइट ही लग रही है मुझे, गई है लाइट, गई लग रही है मुझे तो, इंटरनेशनल लग रही तो रिकॉर्डिंग। हाँ जी जी तो हम बात कर रहे थे हाउ टू गेट द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। बोलिए जी। क्या हो गया, कहाँ घूमना फिरना शुरू हो गए, बैठो सीट पे फटाफट। 7th B स्टूडेंट सिट सिट प्रॉपरली। हाँ जी बताइए जी, एलसीएम लेना है कैसे? मैम, वी हैव टू टेक अ प्राइम नंबर। वी हैव टू टेक अ प्राइम नंबर व्हिच इज कॉमन इन एटलीस्ट टू ऑफ दीज नंबर्स, या तीनों में कॉमन हो जाए या कम से कम दो में है। बोलिए जी कौन सा प्राइम नंबर आपको कॉमन नजर आ रहा है? मैम टू 2। चलिए 2 से किया 12 को डिवाइड तो 6, 18 को किया तो 9 और 24 को किया तो 6। अगला प्राइम नंबर 7A अभी कनेक्ट नहीं हुई है, कोई उनके इशू है अभी? चलिए देख लेते हैं, अगला नंबर 6 और 12 में देखूं तो फिर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 9 में कॉमन नहीं है, 2 6 जा। आगे बोलिए जी, अगला 3। एक मिनट 2, चलो 6 में 2 पड़ा है, लेकिन मैंने क्या कहा, हमेशा गो फॉर जो कम से कम 2 में कॉमन हो। 3 लेंगे, 3 से जब लिया तो 1, 3 एंड 2। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो आई विल स्टॉप हियर एंड व्हाट विल बी माय एलसीएम। मैम 6, 7, 8 नहीं कनेक्ट हुई है, कुछ इशू है उनका? 7A हैज नॉट बीन कनेक्टेड। नहीं बट अब आपका अगर कनेक्ट हो गया तो उनका भी हो जाना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी उनका जो है ना सिस्टम बंद हो गया था। अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ जी, सो टू कैलकुलेट द एलसीएम व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 2, 2, 3, 3 एंड 2। बोलिए जी क्या आएगा? सेवन टू।
इसका मतलब दी एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24 इज 72। ये बात सबको याद आ गई कि कैसे एलसीएम ले रहे थे। चलिए जी, अब हमें ऐड करना है। मेरे पास फ्रैक्शन है से 3/12, 1/18 एंड 5/24। आई वॉन्ट टू ऐड दीज थ्री, आई वॉन्ट टू ऐड दीज थ्री फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, 12, 18 एंड 24। आई हैव टेकन दी एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स 12, 18 एंड 24। नाउ टेल मी हाउ टू ऐड दीज फ्रैक्शंस। एलसीएम ले लिया, अब मुझे एडिशन करनी है। सेवेंथ ए स्टूडेंट, हाँ जी, हमने एलसीएम लिया 12, 18 और 24 का, तो कैसे शुरू किया हमने? पहला प्राइम नंबर कॉमन टू एटलीस्ट टू नंबर्स। आई हैव टेकन टू, टू से डिवीजन करी, ये 6, ये 9, ये 12। फिर 12 और 6 में फिर से दो कॉमन, तो 3, 9, 6। 3, 9, 6 में 3 इज द प्राइम कॉमन नंबर, सो 1, 3 एंड 2। अब इन दोनों में कुछ फर्दर कॉमन नहीं है, तो एक स्टेप और भी आप करते थे। आप क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं दो कॉमन लेके यहाँ कर दूं 1, 3, 1 और फिर 3 ले लूं और कर दूं 1, 1, 1 और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी कर सकती हूँ। या इस स्टेप पे आके ये दो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात। एलसीएम आ गया 72। सेवेंथ ए स्टूडेंट, आर यू एबल टू रिकॉल कैसे एलसीएम ले रहे थे? चलिए जी, अब फिर मुझे अगला स्टेप बताओ। मुझे ये तीन फ्रैक्शंस को ऐड करना है और एलसीएम मेरा बना है 72। अब क्या करना है मुझे, बोलो। एलसीएम इज 72। आई वॉन्ट टू ऐड दीज अनलाइक फ्रैक्शंस। हाउ टू डू इट, कौन बताएगा मुझे? सेवेंथ बी से, सेवेंथ बी से बताएंगे मुझे प्रबली। फ्रॉम सेवेंथ बी, आजा बेटा, फटाफट आजा प्रॉब्लम। शाबाश, कम फास्ट, बताइए जी, हाउ टू ऐड नाउ? एलसीएम में 72, एडिशन करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। और एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि 12, 18 और 24 को सेम करने के लिए इनके एलसीएम पर ले जा सकती हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर। मींस आई वांट टू मेक दिस 12 एज 72। बताइए कैसे बनाऊं इस 12 को 72 बनाना है, हाउ कैन आई डू इट? एनीबडी हु रिमेम्बर्स क्या करना है मुझे? सेवेंथ एडिशन, एडिशन एडिशन कैसे करूं, यही तो पूछ रही हूँ मैं इतनी देर से। सेवेंथ ए से कुछ कोई बच्चा मुझे बताना चाह रहा है? थर्ड, हाँ आजा बेटा, थर्ड थर्ड बेंच दिस गर्ल, आओ बेटा, आप ध्यान से सुनना बेटा, गो टू योर सीट एंड लिसन केयरफुली, बोलो बेटा, दोबारा बोलो, सुना नहीं। आपकी आवाज नहीं मुझे अभी भी आ रही, आपका माइक ऑन है? इज योर माइक ऑन? बस 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 बस, हाँ बोलो। चलिए, आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू वांट टू से। ये मुझे 72 बनाना है, तो क्या करते थे हम? 72 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? सिक्स। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। नीचे क्यों 6 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे इसे एलसीएम मतलब 72 बनाना था। नीचे किया तो ऑब्वियसली ऊपर करना ही पड़ेगा, वरना तो फ्रैक्शन ही बदल जाएगा। अब अगला है 18 और बनाना है 72। बताओ जी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 18 के टेबल में 72 आता है कि नहीं?
हाँ जी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब क्या करना है अब आपको? 72 को 18 से, फोर, 18 4 72, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। आगे बोलिए जी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 24 के टेबल में 72 कहां पर आएगा? इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। जब मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूं, 24 × 3, तो ये हो गया 18/72, 4/72, 15/72। अब क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं? लाइक फ्रैक्शंस को तो हम ऐड कर ही सकते थे, ये हमें मालूम है। डिनोमिनेटर आपका 72 और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, बोलो क्या बनाओगे? टेल मी द आंसर। हाँ जी, 37/72, 37/72। अब मुझे ये बात बता दो, क्या याद आ गया कि एडिशन कैसे किया करते थे? पक्का सभी को? चलो फिर, अब अगली चीज जो आप, अभी तक हम वही बात कर रहे हैं जो आप 6th में पढ़ चुके हो, हैवन्ट डन एनीथिंग न्यू। अगर यहाँ एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन करनी होती तो सिर्फ क्या डिफरेंस आ जाता? सपोज यहाँ पर मैं प्लस की बजाय कर दूं माइनस, तो क्या डिफरेंस आ गया? ये जो प्लस है, ये प्लस की जगह क्या हो गया? -4। सो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए जी, अब मेरा आंसर क्या होगा? 18 - 4, 14, 14 + 15, 14 + 15 कितना हो जाएगा? 29। आंसर विल बी 29/72। तो आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ही केसेस में आपको डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्जन करनी पड़ती है। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए हम जो भी डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शन के, उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आया उसमें ही कन्वर्जन होनी है मेरे डिनोमिनेटर्स की, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए। अब हम बात करते हैं, सपोज मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3/1/4 + 2/3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है, क्या करोगे? हाँ जी, 7th B से मिडिल रो में सेकंड बेंच पे जो कॉर्नर में लड़की बैठी, फटाफट माइक के पास आ जाए बेटा। मैम, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा? मैम, 13/4। ओके, नेक्स्ट बताओ। मैम, 11/4। दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, ऐड कर दूं तो आंसर बना 24 और कैंसल होकर 6। ठीक है जी, चलिए सीट पर। अब एक बात बताना, ध्यान से सोच के, क्या 3/1/4 को 3 + 1/4 लिखा जा सकता है? कैन आई राइट 3/1/4 द मिक्स्ड फ्रैक्शन एज सम ऑफ द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट? ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं? नहीं के हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, लिख सकते हो? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ध्यान से इस बात को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। दिस कैन बी रिटन एज द होल पार्ट प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट। देखो, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो क्या बनाया? 13/4। मैं इन दोनों को ऐड करके देखती हूँ क्या बनेगा। 1 एंड 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा,
ठीक है जी। अब इसको फोर बनाने के लिए चार से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या हम इसको लेट अस डू इट, ये 3/1 है, ऐड करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, चार से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑलरेडी चार था, 12/4 प्लस 1/4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13/4 आ गया। और आपने देखा जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 13/4 ही आ रहा है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लो, एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। जल्दी से नोट करो सारे विद एग्जाम्पल। 3 1/4 कैन बी रिटन एज 3 + 1/4। अभी हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो मेरा काम कितना आसान होगा एडिशन का। क्या किया मैंने, 3 1/4 को लिखा, 3 + 1/4। अब क्या करते हैं, इस बात को हम यूज करेंगे ये एडिशन करने के लिए। इसको लिख दिया 3 + 1/4, इसको लिख दिया 2 + 3/4। ठीक है जी, 3 + 2 5, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम, 1 + 3 5 + 4/4 कैंसल होके 1 5 + 1, आंसर इज 6। यही आया था मेरे पास आंसर। मेरी बात कुछ समझ में आई है मैंने क्या किया है? आई रिपीट व्हाट आई हैव डन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन करने के लिए एक तो तरीका क्या है कि आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 13/4 और 11/4 लाइक फ्रैक्शंस हैं, एडिशन हो गई, 13 + 11 24/4, आंसर इज 6। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर इज व्हाट आई सेड, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख दो होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसको लिखा, इसको लिखा, होल पार्ट्स को तो सीधे सीधे ऐड कर ही सकते हैं, होल नंबर्स की एडिशन 3 + 2 5, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको इकट्ठा कर दिया, एडिशन करी तो आंसर आया 6। क्या ये बात समझ में आई है? अब जरा आप अपना मॉड्यूल उठाएंगे जो मिला है अभी आपको, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड, मल्टीपल चॉइस नहीं और असर्शन रीजन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। 13 3/4 प्लस 17 2/7 प्लस 31 1/4 प्लस 15 5/7 प्लस 12 2/3। अगर मैं आपको इस इतने बड़े एक्सप्रेशन की एडिशन करने को बोलूं, और जो आप बात अभी कर रहे थे इम प्रॉपर में कन्वर्ट करें, फिर एलसीएम लें और फिर सॉल्व करें, तो काम बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं, क्या समझ में आता है, बढ़ेगा कि नहीं? यहां पर अगर जो भी हमने मेथड सीखा वो अप्लाई करें, देखो जी, इसको लिख दिया 13 + 3/4, इसको लिखा 17 + 2/7, इसको लिखा 31 + 1/4, 15 + 5/7, 12 + 2/3। ये बात समझ में आती है सभी को? अब सबसे पहले तो ये जो होल पार्ट्स पड़े हैं इनको इकट्ठा कर लो। जब हम सारे होल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, 13 + 17 + 31 + 15 + 12, करो जरा और बताओ क्या बनाओगे? 88। आप जो कह रहे हो मैंने लिख दिया, मैंने चेक नहीं किया, यू सेड 88, आई हैव रिटन इट। चलिए अब जरा ध्यान से आप देखो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट पड़े हैं मेरे पास, इन फ्रैक्शनल पार्ट्स में भी अगर मैं ये और ये पहले इकट्ठा कर लूं तो काम आसान हो गया। 3/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 4/4 मतलब लो जी प्लस 1 हो गया। अब बताओ कौन से फ्रैक्शनल पार्ट को और इकट्ठा करूं तो काम और आसान।
टू बाय सेवन एंड फाइव बाय सेवन, ये टू बाय सेवन और फाइव बाय सेवन को इकट्ठा किया कितना बन गया, फाइव प्लस टू सेवन बाय सेवन, मतलब अगेन आई एम गेटिंग, अब सिर्फ क्या बच गया, ये टू बाय थ्री बच गया। अब ध्यान से देख लो क्या किया मैंने, मैंने मिक्स्ड को पहले कन्वर्ट नहीं किया, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ दिया होल पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में, होल पार्ट सबके इकट्ठे कर लिए, फ्रैक्शनल पार्ट में देखा कि ये दो सेम डिनोमिनेटर के साथ हैं, लाइक फ्रैक्शन से फटाफट से ऐड कर दिया, इसी तरीके से ये दो लाइक फ्रैक्शन से बहुत जल्दी से ऐड हो गए, तो सिर्फ ये टू बाय थ्री मेरे पास बच गया। अब देखो जरा इसको क्या मैं फर्दर कर दूं, 88 प्लस 1, 89 प्लस 1 कितना हो गया 90। 90 प्लस 2 बाय 3, क्या मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में 92 बाय 3 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती थी तो ऑब्वियसली मैं इसको भी ऐसे, ध्यान से देख लो, जो स्टेप समझ नहीं आया है वो पूछोगे और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो करके दिखाओगे। जल्दी से देख लो, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी ऑफ द स्टेप देन आस्क, और अगर समझ में आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करो फटाफट से, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन करके बता दो मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 1/2 प्लस 3 1/6, 3 2/5 एंड 2 1/2, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ जी, किसका आंसर आ गया, 7A से हाथ खड़ा हो रहा है, हाँ बता दो बेटा, आओ बोलो कितना आंसर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपके माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नीचे रख के बोल के देखो। हाँ ओके, आंसर बोलो 7A से। चलिए आप बैठे बैठे, आपके माइक में कुछ इशू समझ नहीं आ रहा है मुझे, 7B वाले बताएंगे जी, कौन बताएगा, आपकी आवाज आ रही है मुझे, 7B आ जाओ फटाफट से आंसर बोलो। ओवर 15 50/15, हाँ बोलो जी, बोलो बोलो, 7A से, हाँ अब आवाज आ रही है शायद 7A से। फिर गायब हो गई, मैम 17/30 whole to 13। 13 होल पार्ट एंड 17/30 फ्रैक्शनल पार्ट, तो आंसर जो बन रहा है दैट इज 13/17/30। जिस जिसका नहीं आया हाथ खड़ा कर दो जल्दी से, जिस जिसका ये आंसर नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो, सबका आ गया। लो जी, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 3 प्लस 2 बाय 5 और इसको लिखा 2 प्लस 1 बाय 2। अब होल पार्ट्स देख लेते हैं, ये 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, हाफ एंड हाफ 1 बन गया, सो +1। अब जो दो फ्रैक्शनल पार्ट बचे वो है अनलाइक फ्रैक्शंस, तो क्या करना पड़ेगा, 6 और 5 का एलसीएम विच इज 30, 30 है तो इसको तो 13 बना दिया हमने,
30 के लिए इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, और यहां पर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। 13 + 5/30 + 12/30, सो 13 + 17/30 विच कैन बी रिटन एज 13 17/30। ये जो हमने किया, ये बात समझ में आई है सभी को? चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास एडिशन की बात, सब्ट्रैक्शन की बात हमने कर ली। अब अगर मुझे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो, सपोज आई हैव 3/5 इनटू 2/7, व्हाट विल बी माय आंसर? हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर मुझे दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना हो और मल्टीप्लाई करना हो, सपोज आई हैव 2 1/5 इंटू 3 2/7, तो क्या करेंगे इनको पहले? इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 5 2 10 + 1 11/5, 21 + 2 23/7, और अब ये इसी फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यहां पर हमने दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, सॉरी दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, यहां दो इम्प्रॉपर को किया। अब अगर मुझे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? अ होल नंबर मल्टीप्लाइड विद अ फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई? होल नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज आई कैन राइट इट एज 3/1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, सो आंसर विल बी 6/7। अब बात करते हैं डिवीजन की, हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शन। सपोज आई वांट टू डिवाइड 3/5 / 2/7, हाउ टू डू द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस? ये क्लास में कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, पहले ये बताओ मुझे। कर लिया ना क्लास में? बोलो जी, कौन बताएगा कैसे करेंगे डिवाइड? 7A वालों की आवाज नहीं आ रही है मुझे, बस थोड़ा सा यही है। आके कोई बच्चा एक बार माइक के पास बोल के बताएगा, देखें जरा आवाज आ रही कि नहीं। नहीं आ रही? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अब आ रही है बेटा, बोलो। न्यूमेरेटर को एज सच रखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? 2/7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, सो 7/2, सो आंसर विल बी 21/10। बैठ जाइए। क्या करना है? व्हेन आई वांट टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, कीप द न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज सच और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर मेरे पास हो, क्या हुआ क्या हुआ? 7B क्या हो गया? मगर टाइम इज ओवर एक 1:15 तक टाइम बताया गया मुझे। मैम, आवर टाइम इज ओवर। बच्चों, कोई मैडम है यहाँ पर? कोई सर मैम कोई है? मैम 1:15 तक बोला मुझे टाइम, 1 o'clock तक है, 1:15 तक है।
मुझे 115 तक बोला गया था, बाकी आप देख लीजिए जैसे आप बोलेंगे आई विल डू दैट। हाँ जी मैम, शुड आई कंटिन्यू? ठीक है जी, हाँ जी। अगर मुझे 6/7 को 3 से डिवाइड करना, फटाफट बता दो जल्दी जल्दी आंसर बोलो। बस ध्यान अब यहां पर बचाओ, अपनी बातों में ध्यान नहीं देना, यहां पर ध्यान दो। फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, कैसे होगा? थ्री से कैंसिल हो रहा है, 3 2s are, 3 7s are, सो आंसर विल बी 2/7। क्या हो गया बच्चों, कुछ जल्दी है जाने की? क्या हुआ क्या आज? हाँ सिक्स बाय सेवन को 3 से डिवाइड करना है, तो हमने क्या कहा, न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन है वो वैसे का वैसे ही रहता है, डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3। अब ये 3 और 6 कैंसल आउट हो रहे हैं, 3 1s are, 3 2s are, तो क्या बच गया, 2/7 बच गया। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी डू डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या करना है, कीप द न्यूमरेटर सेम एंड मल्टीप्लाई इट विद द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ओके मैम। तो ठीक है, अब असर्शन रीजन देखो जरा मॉड्यूल का। असर्शन रीजन पढ़ो फर्स्ट। पहले मुझे ये बताओ कहाँ जाने की जल्दी आज तुम्हें? हाँ बोलो। मैम प्लीज एक्सप्लेन मी द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करूं? क्या यस समझ नहीं आया पहले ये बता बता मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या समझ में नहीं आया? मैम फर्स्ट यू प्लस द मिक्स्ड नंबर दैट वाज अंडरस्टैंडेड टू मी मैम, उसके बाद जो आपने नंबर लिखे थे। इन नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना, ऐड करना है। जल्दी में आगे लिखते हैं, कुछ है क्या है? देखो जी, हमने क्या कहा, हमने इनको लिखा 4+1/2, 3+1/6, 3+2/5 एंड 2+1/2। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? यस अब मैंने इनके जितने भी होल पार्ट्स थे वो सब कर दिए इकट्ठे, 4, 3, 3 एंड 2। बोल बेटा कितना आएगा? मैम यहाँ तक समझ लग गया मैम, इससे आगे वाला रहता है। इससे आगे वाला रहता है। लो जी, इसके आगे वाला देखो फिर। इसके आगे अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये जो पड़ा है 1/2 और ये 1/2, लाइक फ्रैक्शंस है। मैम यस क्या कर दो, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1। यस ठीक है, 4+3 7+3, 10+2 12 था, और एक इनको इकट्ठा करके क्या बन गया, 13। अब क्या क्या बच गया, एक बचा ये 1/6 और एक बचा ये 2/5। वाईफाई ये है अनलाइक फ्रैक्शंस, इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम बोल बेटा, यस 6 और 5 का एलसीएम 30 30।
इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो यस 30 बनाना है, पड़ा 6 है, 6 5 30 मतलब 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, यस ऐसे ही इसको 30 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? सिक्स लो जी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड, क्या बन गया? 5 by 30 प्लस 12 by 30, लाइक फ्रैक्शन हो गए, न्यूमरेटर्स ऐड हुए, 17 by 30। यस ये 13 बना था, इसमें 17 by 30 ऐड करना है, ठीक है जी? तो यस इसको क्या लिख दिया, 13 17 by 30। अभी समझ में आया बेटा? यस ठीक है, तो हम पहुंचे थे, थैंक वेलकम बेटा, हम पहुंचे थे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पर। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करना था, कीप दी न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सेम एंड मल्टीप्लाई इट विद द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, यही कर रहे थे हम। मेरे पास जल्दी से करके बताना, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, फटाफट करना जरा। मेरे पास है 7/2 divide by 1/2, आंसर बोलो। 7/2 divide by 1/2, सेवन बाय टू न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रखना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो आंसर बन गया। चलो अब मैं कह रही थी असर्शन रीजन पढ़ो जरा, फर्स्ट असर्शन रीजन जल्दी से पढ़ लो, फटाफट से आंसर करते जाओ बिना टाइम लगाए। फर्स्ट असर्शन रीजन, 3 into 1/5, क्या 3/5 बनेगा? हाँ जी, 3 into 1/5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 3/5 आ गया, इज इट ओके? हाँ या ना, कुछ बोल दिया करो। अगला है 4 into 8/7, 32/7, इज इट ओके और नॉट? Yes. चलिए, तो आंसर आपका बन गया 32/7। सो असर्शन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अब हम बात कर रहे हैं रीजन की, जब हम रीजन पर चलेंगे तो क्या होगा, रीजन दिया है टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, क्या सही बात है ये? एक होल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से, जैसे अभी हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो रहा है, होल नंबर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसका मतलब रीजन कैसा हो गया? ट्रू, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, क्या इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है? तो आंसर क्या बनाएंगे? अगला जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, सेकेंड असर्शन रीजन। असर्शन करेक्ट है या नहीं है? असर्शन में आपके पास दे रखा है 4 into 2 1/5, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर मुझे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, 5 2 10 + 1 11/5, तो आंसर क्या बनाएंगे, 44/5, क्योंकि होल का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर सेम, तो 44/5, क्या आंसर यही दिया है मुझे? इसका मतलब असर्शन क्या है यहां पर, रीजन देखते हैं। ऑफ, ऑफ के बारे में आप लोग 6 में भी पढ़ते थे जब बॉड मास का काम किया, तो ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डज ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन और नॉट? यस, फॉर एग्जाम्पल 1/5 of 20 is same as 1/5 multiplied by
20 और इसको कैंसल आउट कर दूं तो 4 मेरा आंसर। तो रीजन कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है? रीजन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर क्या बनाऊंगी? चलिए जी थर्ड असर्शन पर। 5 × 3 2/7 इज इट 15 2/7 इज इट करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट? एक होल नंबर है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 2/7। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इनके होल पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दूं और मिक्स्ड को ऐसे ही रहने दूं? क्या हो सकता है ऐसे? विल इट बी करेक्ट और नॉट? दिस इज नॉट करेक्ट। क्या करना होता है मुझे, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, फिर 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर सेम। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया? असर्शन क्या हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ? रॉन्ग हो गया असर्शन। असर्शन इज फॉल्स। रीजन क्या है बेटा? रीजन में कह रहे हैं टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। इसका मतलब रीजन क्या हो गया, ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। क्या ऑप्शन बनेगा? डी। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से फटाफट से जो एमसीक्यू है ना, पहला और दूसरा, ये 2 MCQ कर दो, केस स्टडी अगली बार कर लेंगे। जल्दी जल्दी करो फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है मुझे। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, जल्दी से करो क्वेश्चन और आंसर बताओ मुझे क्या निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 3/4 liters? 1 लीटर में कितना चल रही है, 1 लीटर में कितना चल रही है बच्चों? और मुझे बताना क्या है 2 3/4 liters में? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे बताना है 2 3/4 liters में, यूनिटरी मेथड। 1 का पता है और ज्यादा का निकालना है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई की डिवाइड, क्या करना है, मल्टीप्लाई। 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 3/4 से। बताओ जी, आंसर आ रहा है, देखते हैं जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारे पास ये 16, 4 2 8 + 3 11/4, 4 से ये कैंसिल, 4 4 16, सो आंसर इज 44 किलोमीटर्स। इट मींस माय आंसर इज ए। अब आपको दिया है, यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों? By adding all the sides. अब ये जो ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसकी जो साइड्स हैं, उनकी लेंथ क्या क्या दे रखी है? ए बी है 4 2/3, ए सी है 3/4 और बी सी है 2 3/5। एड करना है मुझे, जैसे अभी अभी हमने कहा 4 + 2/3 + 3/5, 2 + 3/5 होल पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया, 6 + 2/3 + 3/4 + 3/5। अब इनका क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे एडिशन करूं?
एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम बता दो जल्दी से क्या आएगा. 3 4 5 का एलसीएम जल्दी लो, फिर बाकी घर से कंप्लीट कर लेना. टाइम इज ओवर. आई नो चलो ठीक है बच्चों, अगली क्लास में करते हैं इसको. ठीक है जी, ओके जी, ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर द क्लास, ओके जी. Thank you.